This is Javedia Khan, your English teacher. I hope you all are good at your home. So today we are starting our poem number 2 of our book Playtime. So students, take out your books, page number 21. Playtime students किसे कहते हैं? जब हम लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पे दो सिस्टर्स जो हैं, दो बहनें जो हैं, उनकी खेलने की स्टोरी है, ठीक है? तो फिर आइए हम इसको रीड करते हैं. By the garden shed, my sister and I were playing a game, and I was a spy. I had a mission while she guarded base. I had to get gold from the secret place. The gold was 2 apples on the big tree, but in our game they were real gold to me. So students, ये दोनों बहनें गार्डन में खेल रही हैं और जो लड़की है उसकी जो बहन है वो खेल रही है, वो बेस गार्डन बेस जो है ना गार्ड कर रही है उसको और गाइड कर रही है, और जो खुद है यानी कि जो स्टोरी पढ़ रही है वो स्पा है, ठीक है? अब वो एक मिशन की जानेब रवा दवा है. मिशन यानी कि एक मुहिम की जानेब रवा दवा है. वो गेम खेल रही है कि उन्होंने एक ऐसी सीक्रेट प्लेस से गोल्ड जमा करना है, और वो गोल्ड क्या था? 2 एप्पल्स थे बड़े से पेड़ पे जो लटके हुए थे, लेकिन इस गेम में वो उनके लिए असली गोल्ड था, ठीक है स्टूडेंट्स? अ जाइंट बीस्ट वॉज एस्लीप इन द वे. If I woke him up, I'd be sure to pay. The beast was furious, quite mad and bad. But really, the beast was my snoozing dad. I crept past the bushes, twisted like wire, and round the low wall, glowing like fire. So students, फिर आगे क्या होता है कि उस दरख्त की जानिब जैसे ही वो बढ़ती हैं उस एप्पल्स यानी कि उस गोल को पाने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या देखती है कि एक बीस्ट यानी कि एक अजीब सी शक्ल का एक आदमी सो रहा है जो उनके रास्ते के बीच में. लेकिन अगर वो उसको उठाती हैं उन गोल को पाने के लिए, तो उनको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा यानी कि कुछ देना पड़ेगा. और वो बीस्ट जो है बहुत ज़्यादा क्वाइट है यानी कि खामोश सा है और बड़ा ही फ्रीशस सा है यानी, और वो सच में बीस्ट कौन है? उनके फादर जो कि सो रहे हैं कुर्सी पे, ठीक है? और जब वो बुशेस के नीचे से बिल्कुल वैसे ही गुजर रही हैं जैसे हम मिशन में गेम्स में देखते हैं ना कि वायर्स लगी हुई उसके नीचे से गुजरना है और फिर एक दीवार को क्रॉस कर रही है वो, जैसे ग्लोइंग फायर है यानी कि आग निकल ली है उस दीवार से, वो ऐसे करके क्रॉस कर रही है. आई डिड नॉट नोटिस द बीस्ट बीडी आई ओपनिंग स्लोली माई डैड कुड बी स्लाई. I reached out my hand and captured the gold. I was almost back when a hand took hold. It grabbed at my shirt and made me yell. My sister looked up and she screamed at as well. So students, फिर आगे क्या होता है कि जैसे ही वो उस बीस्ट को वो देखती ही नहीं है कि उनके जो फादर हैं उनकी आंखें खुली हुई हैं और वो आराम आराम से उनको छुपके से देख रहे हैं, जैसे ही वो अपनी गोल्ड लेके वापस पलटती है तो वो क्या देखती है कि एक पीछे से हाथ आया और उसने उसकी शर्ट को खींचा है, और वो एकदम से जो है डर जाती है कि मुझे बीस्ट ने पकड़ लिया है, और उसकी बहन भी डर जाती है. Ah, the monster, the beast has got you now. I had to escape. I didn't know how. My sister flew in and started a fight. We both fought the beast with all our might. Soon he was weak and he fell to his knees. Our dad could act well and he liked to please. So student, क्या होता है कि जैसे ही वो monster जो beast है उन दोनों को पकड़ लेता है, तो वो beast से दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं, लड़ते 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 और लड़ाई कर रही होती है, मार रही होती हैं बीस्ट को. और जैसे ही बीस्ट को मारती हैं तो वो क्योंकि वीक बहुत ज़्यादा है तो वो फौरन अपनी नीस पे गिर जाता है यानी कि घुटनों के बल गिर जाता है. और उनके फादर बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहे थे. वी एस्केप टू आर सेफ प्लेस बाय द शेड. द बीस्ट वॉज डिफीटेड एंड हैंग विद हिज हैड. ही रिटर्न टू सेटल इन हिज डार्क लेयर, एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर. We spied had won, the mission complete. We munched on our apples. Oh, what a treat. फिर क्या होता है कि वो जैसे ही उस मॉन्स्टर से उस बीस्ट से जीतती हैं वो फ़ौरन से अपने शेड पे चली जाती हैं यानी कि जहाँ वो बच सकती थी उस बीस्ट से बहुत दूर चली जाती हैं, और वो बीस्ट को हरा देती हैं. और बीस्ट दोबारा से जाके वो जो पुरानी सी गार्डन में चेयर रखी हुई थी उस पर जाके बैठ जाता है, और फाइनली इनका
मिशन कंप्लीट हो जाता है और इन दोनों को एप्पल्स भी मिल जाते हैं और ये दोनों कहती हैं कि वाह भाई क्या ज़बरदस्त मज़ा आ गया। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको पोइम अच्छी लगी होगी। ठीक है तो आइए अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ जाइंट, ग्लोइंग, बुशेस, वार्म, सीक्रेट, मिशन, बीस्ट, रिटर्न, कंप्लीट, reached. So students, this is your difficult words. Now moving to the next slide, this is words meaning. The first word is garden, यानी कि बाग, glow, यानी कि चमकना, wall, means दीवार, fight, यानी कि लड़ना, and mission, यानी कि कोई सी भी मुहिम। ठीक है students? तो ये आपने अपनी कॉपी में वैसे ही करना है जैसे आप लोग स्कूल की कॉपीज़ में वर्क करते हैं। ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एज ऑलवेज स्टूडेंट्स दिस इज़ योर होमवर्क, मेक द सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज कैप्चर, गेम, मिशन, बीस्ट एंड गार्डन। सो स्टूडेंट दिस इज़ योर होमवर्क, मेक द सेंटेंसेज ऑफ द गिवन वर्ड्स। आप लोगों ने इस वर्ड्स के सेंटेंसेज अपनी कॉपी में खुद बनाने। ठीक है स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर का आपका सेंट्रल आइडिया नहीं है। ठीक है आई होप आप लोगों को ये पोइम पसंद आई होगी और समझ भी क्लियरली आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स फिर अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।